तरीके से सिंगापुर अध्ययन और प्रधानमंत्री को इस पर है और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के लिए सिंगापुर बात चाहे की जा रही है। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे का आज दूसरा दिन और प्रधानमंत्री को इस वक्त सिंगापुर में सेरेमोनियल रिसेप्शन दिया गया है, उनका औपचारिक तौर से स्वागत किया गया है। और ये बिल्डिंग सिंगापुर के संसद का भवन है जहां पर सेना की टुकड़ियों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के लिए सिंगापुर रेड कारपेट बिछा कर तैयार है। ये दिखाता है कि सिंगापुर भारत की दोस्ती को कितनी अहमियत देता है। और प्रधानमंत्री का 6 साल के बाद जब 2018 के बाद सिंगापुर का ये दौरा हो रहा है, हालांकि भले ही 6 साल का वक्त बीता हो लेकिन सिंगापुर से संबंधों की जो गर्माहट है वो लगातार बनी रही है और इस गर्माहट को एक नए आयाम तक ले जाने के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा बेहद अहम। और प्रधानमंत्री की इस यात्रा में दोस्ती के कई आयाम के नए पहलुओं के खुलने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जिसमें बात चाहे की जा रही हो फिनटेक से जुड़ी हो या फिर सेमीकंडक्टर से जुड़ी हो, निवेश से जुड़ी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो या डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ी हो, किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के सहयोग के साथ वेलकम किया गया है। और ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने वहाँ पर विजिटर बुक में साइन किया है, यानी कि वहाँ का जो अतिथि जो पुस्तिका है उसमें हस्ताक्षर किया है, अपनी भावनाएं वहाँ पर व्यक्त की हैं। तो प्रधानमंत्री ने वहाँ पहुंचकर कैसा महसूस किया, एक राष्ट्र प्रमुख के माध्यम से ये बात आगे बढ़ती नजर आएगी। और ये अब प्रधानमंत्री की तस्वीर जहां पर दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की तस्वीरें हैं और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो वहीं सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के प्रधानमंत्री डारेंस वोंग कर रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच में अब निश्चित तौर से जो मुख्य तौर पर सीरियस देशों के बीच में जो समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर होना उसका एक तरीके से आपसी लेन देन हो रहा है। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच में जिन क्षेत्रों में सहयोग हुआ है उसके समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में विदेश मंत्रियों ने इस समझौते को आदान प्रदान किया है। और ये दिखाता है कि कैसे दोनों देश तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर और उत्सुक। Balakrishnan to exchange the MOU between the Ministry of Health of the Republic of Singapore and the Ministry of Health and Family Welfare of the Republic of India on cooperation in the field of health and medicine. May I invite Minister Jaishankar and Minister Balakrishnan to exchange the MOU between the Ministry of Trade and Industry of the Republic of Singapore and the Ministry of Electronics and Information Technology of the Republic of India on the India-Singapore Semiconductor Ecosystem Partnership. Thank you, Excellencies. Excellencies, ladies and gentlemen, we have come to the end of the ceremony. His Excellency Narendra Modi,